उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा 16 वर्षों से लगातार हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और आगे भी इसी तरह से मनाई जाती रहेगी। यहाँ के विश्वकर्मा समाज के बंधुओं का कहना है कि इस दिन विश्वकर्मा समाज के लोग अपने घर घर विश्वकर्मा पूजा करते हैं और भंडारे का भी आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि कम से कम 1000 से 1200 लोग भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन विश्वकर्मा समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। इसमें उपस्थित लोग संजय, अखिलेश, गोलू, ब्रजेश, गब्बर, विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है सर आपका? संजय विश्वकर्मा। कितने सालों से आप यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं? 15 से 16 साल हुए और मेरी इच्छाएं रहती है कि सभी विश्वकर्मा बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोगों का एक यही त्यौहार है जो कि हम लोग बहुत तहे तहे दिल से सारा काम धंधा बंद करके बाबा विश्वकर्मा जी की पूजन और अर्चन करते हैं और इसके बाद जो है सारी बहुत ही खुशियाँ रहती है, सभी के अंदर रहती है, हमारा कारोबार सब बंद रहता है उस दिन। और सभी विश्वकर्मा बंधुओं से मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम को कभी ऊंचा नीचा ना करें, सही ढंग से मनाएं और मनाते रहें। देख रहे हैं आपके यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे यहाँ खाने पीने का भी प्रोग्राम है, कम से कम 1000 से 1200 आदमियों का एस्टिमेट रहता है, हर साल रहता है, खिलाते पिलाते हैं और हंसी खुशी सभी लोग रहते हैं। जितने लोग आते जाते हैं सबको आप लोग सभी लोगों को खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। मऊ से ये थी प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।